ਤਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰੂਗਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सब दा स्वागत है अपने चैनल धड़कन पंजाबी उपर। दोस्तों, नवीं ते ताज़ा खबरां दी जानकारी लई सब तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। पंजाबी इंडस्ट्री दे वड्डे कलाकार एमी विर्क अते करन औजले दा पंगा इको प्रोजेक्ट नूं लैके दिखाई दे रहा है ते की बब्बू मान दी दोबारा बॉलीवुड विच धमाकेदार एंट्री होण जा रही है, जाणो पूरी खबर की है। आए दिन ही पंजाबी इंडस्ट्री च कोई ना कोई नवां विवाद खड़ा हो ही जांदा है ते कई दिनां तक इस बारे खबरां भी सोशल मीडिया ते देखण नूं मिलदियां हन। इसे तरह ही एक नवां विवाद एमी विर्क ते करन औजले विच इको प्रोजेक्ट नूं लैके दस्या जा रहा है ते कहा जा रहा कि कॉपी करन करके यह पैदा होया। दोस्तों, जिवें कि सब नूं ही पता है कि कुछ समा पहला औजले दा गाना आजा मैक्सीको चलिए काफी पॉपुलर होया सी ते औजले नूं नवीं पहचान भी मिली सी। हुण इत्थे एमी विर्क दी भी इसे नाम ते मूवी रिलीज होण जा रही है जिसका नाम है आजा मैक्सीको चलिए ते जिसका पोस्टर रिलीज कर दिता गया। इत्थे कहा जा रहा है कि एमी दी इसे मूवी का टाइटल भी औजले तो कॉपी किया गया ते हो सकता है कि मूवी विच गाने दे बोल भी सेम ही ले गए होण। हालांकि अजे तक औजले वालों इस ते कोई भी जवाब नहीं आया ते ना ही एमी विर्क ने मूवी बारे कोई खास जानकारी दिती है ते आने वाले समय विच ही पूरी खबर पता लग सकेगी। इत्थे हुण जेकर गल कर लईए वड्डे कलाकार बब्बू मान हुणा दी, जिन्हां दी चर्चा इंडस्ट्री विच हर समय ही हुंदी दिखाई दे जांदी है। हुण कहा जा रहा है कि एक बार फिर तो बब्बू मान की एंट्री बॉलीवुड विच धमाकेदार तरीके नाल हो सकती है ते सब नूं हैरान भी कर सकती है। असल विच बब्बू मान दे सोंग पागल शायर ते 1 मिलियन रील्स बनाउण दा रिकॉर्ड जो बनिया ते इसे तो बाद बॉलीवुड वालियां वल्लों इह सोंग अपनी किसी मूवी विच लैण बारे कहा जा रहा है। हालांकि पूरी तरह बब्बू मान ते ही डिपेंड होगा कि की उह सोंग बॉलीवुड नूं दिंदे हन या नहीं, क्योंकि उह अपनी मर्जी दे मालक भी हन। धन्नवाद सुहासरे, एक वारी फिर सारे प्रशासन दा, सारे टूरिज्म दा बहुत बहुत धन्नवाद। सो मैं नहीं कहिंदा, एक गल बड़ी जरूरी है, कहिंदे ने जिस कलाकार दी हिक विच जोर है नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰੂਗਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਧੜਕਨ ਪੰਜਾਬੀ।